नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से स्नैक्स, जो सुबह चाय के साथ खाइए या फिर किसी भी टाइम खाइए, और ये बिल्कुल क्रंची स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए, ये देखिए कितना इसमें क्रंचीपन आया है। तो ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनकर पता चल गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो इसको बस बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं, और एक बार बना लीजिए, एक महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें कितने सारे परत बने हैं, और ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल खस्ता बने हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम मैदे से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके बना सकते हैं। तो इस मैदे को पहले से मैंने छान के रखा था। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल दी है, आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। साबुत जीरा और अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में अब चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। चिली फ्लेक्स पसंद नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, और स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। और इसमें अब हम तेल डालेंगे मोहन के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो 500 ग्राम मैदे में मैंने लगभग इसमें 50 ग्राम तेल डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना रह जाएं। तो ख़ास बात इसमें यही है कि जब मोहन लगाएं तो अच्छे से सारे आटे को अच्छे से मिक्स करना चाहिए, तभी परफेक्ट आटा बनता है। तो ये देखिए, इसमें लड्डू जैसे बन रहा है। तो ये परफेक्ट आटा हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे, और 10 मिनट के बाद ही बनाते हैं। तो आटा 10 मिनट रख दिया था मैंने। उसके बाद बड़ी सी लोई लेंगे और इसको रोल करके इस तरह से बढ़ा लेंगे, और छोटी छोटी सी लोइयाँ काटेंगे। तब हम एक एक करके सारी रोटी को बेल लेंगे। सारी लोई को मैंने रोटी के आकार की रोटियाँ बेल ली हैं। तो ये देखिए, अब हम एक चम्मच रिफाइंड लेंगे, उसमें एक चम्मच मैदा डालेंगे, और इसका ये पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप इसको घी और मैदे से भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने तेल और मैदे से तैयार किया है। तब हम ये देखिए, जो रोटियां बेल के रखी हैं, तो इनको अब हम एक एक रोटी लेंगे। इसी तरह एक रोटी लेके ये पेस्ट इसमें लगा लेंगे पूरी तरह से। पेस्ट पूरी रोटी में अच्छे से लगना चाहिए। इसी तरीके से सारी रोटी इसमें पेस्ट लगा लिया है, और एक के ऊपर एक रोटी रखेंगे और उसके ऊपर भी पेस्ट लगाएंगे। तो सारी रोटी को इसी तरह रख के हम एक के ऊपर एक रख के पेस्ट लगा लेते हैं पहले। तो चार रोटी मैंने एक के ऊपर एक रख के पेस्ट लगा लिया है। तो अब हम इसको हम रोल करेंगे। तो ये देखिए, एक किनारे से उठाइए, इस तरीके से रोल कर दीजिए, और इसमें ज़रा सा भी इसमें हवा नहीं होनी चाहिए। तो हवा निकालते जाइए और रोल कर लीजिए। ये देखिए, अच्छे से रोल हो गया है। तो इसको अब हम हल्के हाथों से इस तरह पतला करेंगे और बढ़ाएंगे। इसमें बहुत हल्के हाथों से इसको बढ़ाना है। तो ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से इसको पतला कर लीजिए। तो इसको मैंने हल्के हाथों से पतला कर लिया है। तो इसमें अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, छोटी छोटी सी लोइयाँ काट के तैयार कर ली हैं। तो अब एक लोई लेंगे, और इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस छोटी सी रोटी बनानी है इसकी। तो ये देखिए, इसके हम इतनी बड़ी सी रोटी बना ली है। तो इसमें अब हम पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगा के जैसे पराठा बनाते हैं, सेम उसी शेप का बना लेंगे इसको हम। तो ये देखिए, इसी तरीके का हम बना लेंगे,
और इसको भी अभी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये देखिए हल्का सा बेलन से, तो ये देखिए बस बहुत नहीं ज़्यादा इसको बेलना है, बस हल्का सा इसे बेलना है। अब एक कांटे वाला चम्मच ले लेना है, तो ये देखिए इसी से इसमें छेद कर दीजिए, क्योंकि तलने के टाइम ये फूलेंगे नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। तो इसी तरीके से ये सारी लोइयाँ इसी तरह बना लेंगे। तो पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद पराठे के आकार का इसको भी मोड़ देंगे। तो आप इसमें जिस आकार का मोड़ना चाहते हैं, डिजाइन बनाना चाहते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा सा इसको बेला है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बस हल्का सा इसे बेलना है। और ये हल्का सा ये मोटा रहता है तभी ये खस्ता बनता है। तो ये देखिए कांटे के चम्मच से छेद कर दिया है। तो ये इसी तरीके से सारी लोइयाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इनकी बारी आती है तलने की। तो तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम ये सारे स्नैक्स तल लेंगे। तो तेल पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद मीडियम कर दीजिए, तभी इसमें डालिए, नहीं तो फिर ये तुरंत जल जाएंगे। तो गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, तो उसके बाद ही इसमें हम तेल में डाल रहे हैं। तो एक के बाद एक इस तरह से डाल देंगे, जितने इसमें आएंगे उतने। तो इनको अब एक मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। तो ये देखिए बहुत जल्दी ये पकने लगते हैं। तो ये देखिए अपने आप ऊपर आने लगे हैं। एक मिनट के बाद सारे हम पलट देते हैं। तो इनको पकने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा है, इसमें बहुत कम टाइम लगा है। तो ये देखिए सारे पक गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो निकाल के दिखाएंगे कितना क्रंची इसमें पन आया है और ये बिल्कुल खस्ता बने हैं। तो इसी तरीके से जो बचे हैं वो भी बना लेंगे। तो आप भी सुनिए कि इसमें कितना क्रंचीपन आया है। तो ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ है और इतना क्रिस्पी बने हैं और खस्ता। ये चाय के साथ खाइए, ऐसे खाइए, इसको बना के रख लीजिए, 1 महीने स्टोर करके रख दीजिए और चाय के साथ एंजॉय करिए। और मेहमान आ जाए तो मेहमान को भी खिलाइए, क्योंकि ये इतना क्रिस्पी और खस्ता बने हैं कि इसकी ये देखिए इसमें परत देखिए कितने सारे आए हैं। और ये देखिए बिल्कुल खस्ता ये बने हैं स्नैक्स। तो आप लोग भी बनाइए, एक बार बना लेंगे तो 1 महीने स्टोर करके रख लीजिए और महीने भर आराम से खाइए। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।